हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई हूँ मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन उन छात्रों के लिए जिन छात्रों का एडमिशन 2021 में किया गया है। तो जितने भी छात्र हैं जिनका एडमिशन 2021 में किया गया है, उन सभी को पता होगा कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अब तक नहीं आया है, और जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हो जाता वो एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो पाएंगे। तो क्यों उनका जो है अब तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, कब तक आ सकता है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, और अगर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है या नहीं आएगा तो क्या वो एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम उनको देखना पड़ेगा आगे, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। एक बात मैं आप लोग को और बता दूँ, अभी इस वीडियो में आप लोग को ये भी बताया जाएगा कि स्टूडेंट वेरीफिकेशन क्या है, वो कैसे किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट वेरीफिकेशन अब छात्रों को खुद से करना है, तो कैसे वो सब कुछ करेंगे सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले, अब तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जितने भी छात्र हैं जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है, खास करके ऐसे छात्र जो प्राइवेट ITI से ITI कर रहे हैं, उन्होंने प्राइवेट ITI में एडमिशन लिया है, उनके अब एडमिशन प्रोसेस में स्टूडेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी बदलाव किया है DGT ने। क्या है वो बदलाव, आइए हम जानते हैं। पहले क्या था कि जितने भी छात्र एडमिशन लेते थे प्राइवेट ITI में, उनका जो वेरिफिकेशन होता था वो उनके ITI के द्वारा ही हो जाया करता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि जितने भी छात्र ITI में एडमिशन लेते हैं प्राइवेट ITI में, उनका वेरिफिकेशन अब उनके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के नोडल ITI से किया जाता है, जिसके कारण अब जो है उनके वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। क्योंकि जितने भी छात्र हैं, पहले प्राइवेट से होता था तो जैसे डाटा आया वैसे जैसे डेट आया था वेरिफिकेशन का, उनके पास कम डेटा होता था, जितने यूनिट है उतने छात्र होते थे, तो काफ़ी जल्द से जल्द उनका वेरिफिकेशन हो जाया करता था। लेकिन अब क्योंकि नोडल ITI के पास सारा जो है भार आ चुका है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे प्राइवेट ITI होते हैं, तो अब क्या है नोडल ITI के पास प्राइवेट ITI का भी डेटा वेरिफिकेशन करना है, साथ ही साथ अपने छात्रों का भी डेटा वेरिफिकेशन करना होता है कि वो छात्र का सारा डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, फोटो सही है या नहीं, कास्ट, इनकम, जितनी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वो सही है या नहीं, ये सारा कुछ चेक करने के बाद ही उनका डेटा वेरीफाई किया जाता है। तो इतना बड़ा बदलाव किया गया है अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस में, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एडमिशन का जो भी जितना भी डेटा है उसमें अभी टाइम लग रहा है, वन बाय वन छात्रों का वेरिफिकेशन हो रहा है, जब सारे छात्रों का वेरिफिकेशन हो जाएगा तब जाके उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट होगा, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद ही उन छात्रों का जो है एग्ज़ाम हो पाएगा। लेकिन अभी इतना ही प्रोसेस नहीं है, अभी क्या होगा, पहले नोडल ITI से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद छात्रों का वेरिफिकेशन होगा जो सेल्फ छात्रों को ही करना है, मतलब स्टूडेंट वेरिफिकेशन का जो है मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, मतलब जितने भी छात्रों ने अपना अपना नंबर दिया है मोबाइल नंबर, उनके मोबाइल पे वेरिफिकेशन का कोड जाएगा और फिर उनका भी वेरिफिकेशन वन बाय वन किया जाएगा। तो अभी वेरिफिकेशन का प्रोसेस लंबा चलने वाला है, पहले तो ITI आज का लास्ट डेट था, उसके बाद क्योंकि बहुत सारे से छात्र हैं जिनका वेरिफिकेशन अब तक नहीं हो पाया, बिकॉज डेटा इतना ज़्यादा है कि अब तक वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण हो सकता है कि कुछ दिन का डेट और एक्सटेंशन मिल जाए, 4-5 दिन और लगेंगे जो नोडल ITI वेरीफाई करेगी, उसके 4-5 दिन के बाद ही छात्रों के पास भी मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, फिर वो छात्रों से वेरीफाई करेंगे, तब उनका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो नंबर आने के बाद ही एग्ज़ाम का प्रोसेस फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पहले तो आप लोग का जो प्रॉब्लम है नहीं आया है क्यों रजिस्ट्रेशन नंबर, बिकॉज आप लोगों का अब तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, प्रोसेस में बदलाव हुआ है, और ये जो आप सुन रहे हैं जितने भी छात्र हैं वो प्राइवेट ITI वाले के लिए ही है, उनका ही ये प्रोसेस हुआ है कि उनका डेटा अब नोडल ITI में वेरीफाई होना है, मतलब वो पहले वेरीफाई करेंगे। तो इस प्रोसेस से पहले तो आपका कॉलेज वेरीफाई करेगी, मतलब जो नोडल ITI है वो आपको वेरीफाई करेगी, फिर आपके पास खुद ही मोबाइल में आएगा मैसेज, उससे आपको वेरीफाई करना है, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा एग्ज़ाम के लिए फिर एलिजिबिलिटी का वेरीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम्प्लीट हो जाएगा तब फिर आपका एग्ज़ाम प्रोसेस स्टार्ट होगा। हालाँकि अब तक जो डेट दिया गया है वो अगस्त माह का दिया गया है आपके आने वाले एग्ज़ाम का, उम्मीद है कि उससे पहले ही सारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा और अगस्त माह में ही आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, अगर आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आप सभी कमेंट का जवाब देने का, और इस वीडियो को अधिक से अधिक
शेयर कर देंगे ताकि जितने भी छात्र हैं जो परेशान हैं उनका क्यों नहीं आया है रजिस्ट्रेशन नंबर, उनकी परेशानी भी दूर हो जाएगी, कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ लेंगे, उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आईटीआई के हर न्यूज़ के लिए जुड़े रहे आईटीआई इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ।